हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से कुछ दिन पहले मैं गया था उड़ीसा की मंगलाजुरी बर्ड सेंचुरी में बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए। तो इस वीडियो में आपके लिए रहेगा सम ब्यूटीफुल फुटेजेस फ्रॉम मंगलाजुरी इन 4K रेजोल्यूशन। एंड सम अमेजिंग एक्शन शॉट्स। एंड मैं थोड़ा कैमरा सेटिंग के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट मंगलाजुरी बर्ड सेंचुरी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मंगलाजुरी एक ब्यूटीफुल विलेज है जो कि चिल्का लेक के नॉर्दर्न बैंक में सिचुएटेड है एंड उड़ीसा का खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड टांगी ब्लॉक में पड़ता है। फ्रेंड्स, एवरी ईयर विंटर में 200 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे माइग्रेट करता है। यहाँ पे 4 से 5 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स का गैदरिंग का रिकॉर्ड है। मुझे लगता है मंगलाजुरी एशिया का एकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे इतने क्लोज रेंज से इतने सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स देखने को मिलता है, इसलिए मंगलाजुरी को बर्ड्स पैराडाइज ऑफ एशिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा 3rd टाइम मंगलाजुरी विजिट था और मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है, तो इसलिए हर साल मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। मंगलाजुरी में कैसे जाना है, कहाँ रहना है, इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो YouTube में मिल जाएगा, तो मैं इस वीडियो में फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव में ही ज़्यादा बात करूँगा। तो इस साल भी मैं 2 दिन के लिए मंगलाजुरी गया था और इस 2 दिन में मैंने 4 बार बोट सफारी किया था। मंगलाजुरी में आप जो होटल या होम स्टे में रहेंगे वहां से बोट सफारी पॉइंट का डिस्टेंस 3 से 5 किलोमीटर है अप्रॉक्स। होटल या होम स्टे से सफारी पॉइंट आने के लिए ऑटो मिल जाता है। ऑटो से आने के टाइम ही रास्ते के दोनों पास आपको माइग्रेटरी बर्ड्स दिखना चालू हो जाएगा। मंगलाजुरी में बोट सफारी 2 शिफ्ट में होता है, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग को एंड सेकेंड सफारी लंच के बाद। हर सफारी 4 घंटे का होता है। बोट सफारी में एक बोटमैन एंड एक गाइड होता है और ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग है। जो गाइड आपके साथ रहता है वो बहुत नॉलेजेबल है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में एंड उसके बिहेवियर के बारे में। अगर आप बर्ड वॉचिंग के लिए मंगलाजुरी जा रहे हो तो एक बोट में 4 लोग जा सकते हो, बट अगर आप फोटोग्राफी के लिए जा रहे हो तो एक बोट में 1 या 2 लोग जाओ तो अच्छा है। आपको मूव करने का स्पेस मिलेगा एंड बोट का मूवमेंट कम होगा, तो फोटोग्राफी करने के टाइम शेक नहीं होगा और आप शेक फ्री इमेज ले पाओगे। तो Day 1 में मैं बोट सफारी स्टार्ट किया था मॉर्निंग को 6 बजे। बोट चालू होने के साथ ही बोट के दोनों साइड में कॉमन अनकॉमन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलना चालू हो गया था। मंगलाजुरी में जो बोट सफारी होता है उसमें से मैक्सिमम बोट के ऊपर में शेड दिखने को मिलता है, इसलिए आपको धूप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ट्राइपॉड यूज करने में कंफर्टेबल हो तो आप ट्राइपॉड का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो बीन बैग से भी काम चल जाता है। मैं ट्राइपॉड में कंफर्टेबल हूँ तो इसलिए मैं ट्राइपॉड का यूज किया था यहाँ पे। बोट जर्नी स्टार्ट करने के टाइम ही आप कैमरे के शटर रिलीज मोड को कंटिन्यूअस हाई पे सेट कर लो और लाइट को ध्यान में रखते हुए शटर स्पीड को भी हाई में सेट कर लेना बहुत जरूरी है। मैं अपने कैमरा को 1/2500 ऑफ ए सेकेंड सेट कर लिया था एक्शन शॉट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि लाइट कंडीशन बहुत अच्छा था। मंगलाजुरी में एक्शन शॉट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए बर्ड्स का एक्शन फ्रीज करने के लिए आपका कैमरा का शटर स्पीड हाई होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको और एक चीज़ रिकमेंड करूँगा,
कि अगर आप हाई स्पीड मेमोरी कार्ड कैरी नहीं करते हो तो मंगलाजुड़ी जाने के टाइम जरूर हाई स्पीड मेमोरी कार्ड कैरी करना, नहीं तो कंटिन्यूअस शूटिंग के टाइम आपको बफरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है एंड आप बहुत सारे एक्शन मिस कर जाओगे। मंगलाजुड़ी के मार्सी वेटलैंड में नॉन वेनम ऑलिव किलबैक स्नेक मिलता है जो कि फेवरेट फूड है ब्लैक हेडेड आइबिस, पर्पल हेरन एंड ग्रे हेरन का। पर्पल हेरन ने मेरे सामने एक स्नेक पकड़ा है, अभी वो स्नेक भी पर्पल हेरन को के गले के चारों तरफ लपटे हुए है, दोनों के बीच फाइट चल रहा है कि कौन जीते। तो ये ब्यूटीफुल सीन मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ वीडियो में, बहुत देर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, बहुत देर से वो स्नेक और पर्पल हेरन के बीच ये फाइट चल रहा है कि कौन जीते। विंटर सीजन में पानी कम होता है तो ये स्नेक बहुत ही इजी प्रे हो जाता है ब्लैक हेडेड आइबिस, पर्पल हेरन एंड ग्रे हेरन के लिए, इसलिए स्नेक के साथ ब्लैक हेडेड आइबिस का या पर्पल हेरन का या ग्रे हेरन का शॉट एक सिग्नेचर शॉट है मंगलाजुड़ी का। मंगलाजुड़ी में लोग ज्यादातर इसी एक्शन शॉट को कैप्चर करने के लिए आते हैं, इसलिए गाइड का फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है एक्शन शॉट कैप्चर करवाना। यहाँ पे ज्यादातर गाइड का फोटोग्राफी सेंस इतना अच्छा होता है कि वो आपको ऐसी ही कोई ब्लैक हेडेड आइबिस या पर्पल हेरन या ग्रे हेरन के पास ले जाएगा, जहां से अगर वो स्नेक या फ्रॉग या फिश पकड़ता है तो आपको अच्छा फ्रेम मिलेगा। फ्रेंड्स, मंगलाजुड़ी का फैक्ट्स बहुत अमेजिंग है। पहले लोग यहाँ पे हंटर हुआ करता था, यहाँ पे जो विलेजर्स है वो लोग बर्ड्स को मारता था खाने के लिए और मार्केट में बेचने के लिए। यहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट में पोचिंग होता था कि मंगलाजुड़ी को पोचर्स विलेज बोला जाता था। पोचिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बर्ड्स का नंबर कम होने लगा। ये देखकर एक एक्टिविस्ट फ्रॉम वाइल्ड उड़ीसा मिस्टर नंदकिशोर भुजवल सारी विलेजर्स को समझाया कि बर्ड्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, और ये भी बताया कि इकोसिस्टम के लिए ये सब बर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे एनजीओस भी ये काम में हाथ दिया, रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन एंड एंटी पोचिंग कैंपेन किया गया, फिर जाके ये विलेज पोचर्स से कन्वर्ट होके बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने लगा। एंटी पोचिंग अवेयरनेस कैंपेन आज भी चल रहा है, बट अभी सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। एक टाइम जो लोग बर्ड्स का हंटिंग करता था, आज वही लोग रात रात जागकर बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे ताकि हंटिंग ना हो पाए। फ्रेंड्स, मंगलाजुड़ी में बहुत ज्यादा एक्शन शॉट होता है, इसलिए आप ग्रुप ऑटो फोकस को हमेशा यूज करना, क्योंकि मंगलाजुड़ी में एक्शन शॉट लेने के टाइम सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड के बीच काफ़ी डिस्टेंस होता है और आपके और सब्जेक्ट के बीच में भी कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होता है, इसलिए इस सिचुएशन में कैमरा का ग्रुप ऑटो फोकस अच्छा काम करता है और एक्शन शॉट शार्प आता है। बट जहां पे आपका सब्जेक्ट स्टैटिक है आप वहां पे सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस यूज़ करना, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ग्रुप ऑटो फोकस सिलेक्ट करने से फोरग्राउंड सिलेक्ट हो जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है और सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा।
If you wish, you can follow me on Facebook and Instagram also. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।